कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है ए मोहम्मद सल्लाह वसलम बेशक तुम पैगम्बरों में से हो से रस्ते पर ये खुदाए और मेहरबान ने नाजिल किया है कि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनबे नहीं किया गया था मुतनबे कर दो वो गफलत में पड़े हुए हैं उन्हें अक्सर पर खुदा की बात पूरी हो चुकी है सो वो ईमान नहीं लाएंगे हमने उनकी गर्दनों में तोक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं तो उनके सर उलल रहे हैं हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते तुम उनको नसीहत करो या न करो उनके लिए बराबर है वो ईमान नहीं लाने के तुम तो सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और खुदा से गायबाना डरे सो उसको मगफरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो बिखम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ हुआ आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए जब हमने उनकी तरफ दो पैगम्बर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया फिर हमने तीसरे से तकवीत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगम्बर होकर आए हैं बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और खुदा ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की तुम महज झूठ बोलते हो उन्हें कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावूज कर गए हो शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया कहने लगा कि अ मेरी कौम पैगंबरों के पीछे चलो ऐसों के जो तुमसे सिलाह नहीं मांगते और वो सीधे रस्ते पर हैं और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके तब तो मैं सरह गुमराही में मुबतला हो गया मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं सो मेरी बात सुन रखो हुआ कि बहिष्त में दाखिल हो जा बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि खुदा ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया ओम ने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही वो सिर्फ एक चिंगार थी आतशीन सो वो उससे नागहा बुझ कर रह गए पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्कुर करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे और एक निशानी उनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया फिर ये उसमें से खाते हैं और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये उनके फल खाएं और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते वो तो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खेच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्र रस्ते पर चलता रहता है यह खुदाए गिब और दाना का मुकर्र किया हुआ अंदाजा है और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं और निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा कीं जिन पर वो सवार होते हैं और हम चाहें तो उनको गर्क कर दें फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो और ना उनको रिहाई मिले अगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं और उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए और पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उससे मुंह फेर लेते हैं और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता तुम तो सरी गलती में हो और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजर हैं जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आप पकड़ेगी फिर तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे और उस वक्त सूर फूका जाएगा ये कब्रों से निकल कर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे कहेंगे ऐ है हमें हमारी खाबगाहों से किसने जगह उठाया ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे इस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे अले जन्नत उस रोज निशात के मशगले में होंगे वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिये लगाए बैठे होंगे वो उनके लिए बेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा पर दिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और नह गारो तुम आज अलग हो जाओ अदम की औलाद हमने तुमसे कह नहीं दिया था के शैतान को न पूजना वो तुम्हारा खुला दुश्मन है और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था तो क्या तुम समझते नहीं थे ये वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें फिर ये रस्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे और हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें फिर वहां से ना आगे जा सकें और ना पीछे लौट सकें और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं तो क्या ये समझते नहीं और हमने उन पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और ना वो उनको छाया है ये तो महज़ नसीहत और साफ साफ कुरान पुर अजिकमत है ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चार पाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको उनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और में उनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं तो क्या ये शुक्र नहीं करते और उन्होंने खुदा के सिवा और मबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उनको मदद पहुंचे अगर वो उनकी मदद की हर गिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे वो तो उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुतफे से पैदा किया फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे क्यों नहीं और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है वो जाक है जिसके हाथ में हर चीज की बात चाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है